नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहलाता हूं क्योंकि मैं आम आदमी की तरफ से बात करता हूं, आम आदमी के मुद्दे उठाता हूं। दोस्तों, हमें जमाने के साथ बदलना पड़ता है, ये सच है, ये मानना पड़ता है। जैसे टेक्नोलॉजी बदलता है, हमें भी बदलना पड़ता है। तो नया टेक्नोलॉजी बिल्डिंग्स को बड़े बना रहे हैं। पहले के जो बिल्डिंग हुआ करते थे, मैं मुंबई जैसे शहरों की बात कर रहा हूं, तो शायद 20-30 फ्लैट्स हुआ करते थे एक बिल्डिंग में। अगर बहुत बड़ा बिल्डर था तो वो 7-8 माले का बिल्डिंग बनाता था और उसे टावर कह देता था, या ज्यादा से ज्यादा 10-12 माले का बिल्डिंग बनाता था। और जिस चीज को हम उस जमाने में टावर कहते थे, यानी कि साल 1995 या 2000 में हम टावर या ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल करते थे, आज वो बिल्डिंग्स बहुत छोटे लगने लगे हैं। आजकल के जो टेक्नोलॉजी हैं और जो बिल्डिंग का स्टाइल है, वो ऐसा है कि बिल्डिंग्स का हाइट 20, 30, 40 माला या उससे भी ज़्यादा टॉल हुआ करता है। 50-60 माले के भी बिल्डिंग्स बनते हैं और नंबर ऑफ फ्लैट्स हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे होते हैं। कई सौ फ्लैट्स बनते हैं एक ही बिल्डिंग में। और ऐसे टाइप के जो टावर्स हैं, वो कई सारे टावर्स खड़े किए जाते हैं एक बड़े से पार्किंग बेसमेंट पर, जो मल्टी लेयर होता है, जिसके अंदर 3-4-5 बेसमेंट्स एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड हैं, या फिर ऊपर के तरफ जमीन के ऊपर जिसे पार्किंग पोडियम बोलते हैं, जो तो 4-5 माले का या उससे भी ज्यादा फ्लोर्स वाले पार्किंग पोडियम होते हैं, उसके ऊपर एक ओपन पोडियम फ्लोर क्या होता है, उसके ऊपर टावर्स खड़े किए जाते हैं। तो इस स्टाइल से बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा भी एक स्टाइल है जिसे हम टाउनशिप कहते हैं, जहां पर बहुत सारे टावर्स या बिल्डिंग्स छोटे या बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन वो जमीन इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि कई सौ बिल्डिंग्स या फ्लैट्स, में कहूं तो 5,000-10,000 फ्लैट्स या उससे भी ज्यादा एक साथ एक बड़े लेआउट में, जिसे टाउनशिप कहते हैं, डाले जाते हैं। यह टेक्नोलॉजी है, यह नया इकोनॉमिक्स है। इसमें गलत क्या है कहोगे, अच्छा है कहोगे। प्लानिंग के साथ में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, तो आप कहोगे इसमें बुरा क्या है। आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। लोग ये भी पूछेंगे कि तो फिर हमारे सामने उपाय क्या है, क्योंकि इस टाइप के ही बिल्डिंग्स बनते हैं आजकल। उसका भी मैं जवाब दूंगा आपको। तो पहला सवाल कि बहुत बड़े टावर में फ्लैट लेने से आपका क्या नुकसान होता है। बहुत बड़े टावर मतलब, जैसे मैंने कहा, 30-40 माले का टावर, और वो भी कैसा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जो पार्किंग पोडियम के ऊपर खड़ा है, 3-4 फ्लोर्स या उससे भी ज्यादा 6-8 फ्लोर्स पार्किंग पोडियम्स हैं, और या फिर नीचे पार्किंग बेसमेंट्स हैं। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें आपका नुकसान क्या हो रहा है, आप पूछोगे। मैं आज आपका जवाब देना चाहता हूं। पहले मैं आपको वापस वो 3-4 माले वाले फ्लैट्स पर ले जाना चाहता हूं, 3-4 फ्लोर्स के जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे, या 8-10 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स हुआ करते थे। उसमें फायदा क्या था, वो आपको पहले लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, वो पहले जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे ना, जहां पर
आप अपने सभी पड़ोसी को जानते थे, क्योंकि सिर्फ 30-40 फ्लैट्स थे या 50-60 फ्लैट्स थे। उसमें फायदा ये था कि आप उस फ्लैट के ओनर थे, वो फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उसके ओनर थे, और वो बिल्डिंग जिस जमीन पर खड़ा था, जिस कंपाउंड में खड़ा था, आप उसके भी हिस्सेदार थे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग का ओनर हुआ करता है। आप फ्लैट के ओनर होते हो, लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग का ओनर होता है। और उस कंपाउंड, उस जमीन जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ा है, उसका भी ओनर होना जरूरी है। तो आइडियली वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उस जमीन का भी ओनर होता है। मान लो कल भूकंप हो गया और आपका बिल्डिंग गिर गया, तो आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी कि आप ही लोग उस जमीन के ऊपर दोबारा किसी बिल्डर को अपॉइंट करके, खर्चा करके अपना बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, अपने फ्लैट्स खड़े कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट, आप अपने बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट कर सकते हो अगर जमीन आपके नाम पर हो। जब लेआउट बड़ा होता है, जब कई सौ फ्लैट्स होते हैं या कई हजार फ्लैट्स होते हैं, एक बड़ा सा पार्किंग बेसमेंट होता है या मल्टीलेयर पार्किंग बेसमेंट्स होते हैं, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहला प्रॉब्लम यह है कि जमीन की मालिकी जो है, जो बिल्डर आपको ट्रांसफर करना चाहिए, जिसे कन्वेयंस कहते हैं, वो कन्वेयंस बिल्डर आपको देता नहीं है। और अगर बिल्डर ने आपको बिल्डिंग का कन्वेयंस दे दिया, यानी सोसाइटी को बिल्डिंग का मालिक बना दिया लीगली कायदे कानून से, तो भी वो जमीन का कन्वेयंस नहीं देता है, लैंड का कन्वेंस नहीं देता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके बिल्डिंग को मेंटेन करेगी, लेकिन कल सुबह उठ के अगर भूकंप हो गया या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो आपका जो फ्लैट था, आपका अधिकार सिर्फ आपके फ्लैट के ऊपर था और सोसाइटी का अधिकार बिल्डिंग के ऊपर था। लेकिन अगर फ्लैट न रहे, बिल्डिंग न रहे, तो फिर आपका अधिकार क्या है? जमीन किसके नाम पर है? अगर जमीन बिल्डर के नाम पर है या जमीन लैंड ओनर के नाम पर है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लैंड ओनर, जमीन का जो मालिक है वो कोई और होता है, और बिल्डर डेवलपमेंट राइट लेके बिल्डिंग बनाता है। तो अगर आप जमीन के मालिक नहीं हो, बिल्डर का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है, जिसे प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, तो प्रॉपर्टी कार्ड में किसका नाम है, जमीन के ऊपर मालिकी किसका है? अगर बिल्डर से आपको ट्रांसफर नहीं मिला, अगर बिल्डर से जमीन का ट्रांसफर आपको नहीं मिला या जमीन मालिक से आपको ट्रांसफर नहीं मिला, तो आपका ओनरशिप जो है वो सिर्फ आपके फ्लैट तक सीमित है। और कल उठ के अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया, अगर किसी भी कारण से बिल्डिंग गिर गया, तो आपकी किसी चीज पर मालिकी नहीं है, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दोबारा बिल्डिंग खड़ा करें, कोई हक नहीं है। उस समय आपको कोर्ट में भागना पड़ेगा, और जैसे आप जानते हो कोर्ट के केसेस सालों साल चलते हैं। तो आप कहोगे हाँ, तो बिल्डर आपको बड़ा बिल्डिंग हो या छोटा बिल्डिंग हो कन्वेंस दे देगा। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र में एक कानून है जिसका नाम है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, मोफा। और मोफा कहता है कि बिल्डर को कानूनन कन्वेंस दे देना चाहिए, यह सच है। लेकिन या बिल्डर या लैंड ओनर, जमीन का और
बिल्डिंग का कन्वेंस दे देना चाहिए, ये सच है, कानून कहता है। लेकिन अगर बिल्डर कानून का पालन नहीं करेगा, जो कि नहीं करता है ज्यादातर, तो आपके पास बहुत कम उपाय होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कन्वेंस लेना। फिर भी अगर आप छोटे सोसाइटी हो, आपका ही जमीन है, एक ही बिल्डिंग है, कंपाउंड में एक ही बिल्डिंग है, तो आप लोग एकजुट होकर कुछ कर भी सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे बिल्डिंग्स एक लैंड प्लॉट पर है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बिल्डिंग्स यानी बहुत सारे सोसाइटीज एकजुट नहीं हो पाते हैं, यूनाइट नहीं हो पाते हैं, ये एक कड़वा सच है। ऐसा क्यों है? ऐसे इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स माने बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजिंग कमिटीज और उनके ईगोस, उनके बड़े बड़े ईगोस। और अगर ईगोस को भी अगर वो डुबा देते हैं और एकजुट हो जाते हैं, तो भी कायदे कानून से जमीन को का पोजेशन लेना, जमीन का कन्वेंस लेना काफी मुश्किल होता है अगर आप लोग ज्यादा लोग हो। इसमें और भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गए, जैसे कि ये पार्किंग पोडियम है, तो पार्किंग पोडियम के नीचे के जो हिस्से हैं वो बिल्डर ने किसी और को ये दिया हुआ है, बीएमसी को दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लोधा का एक बिल्डिंग है जिसका नाम है लोधा फ्योरेंजा। तो ये लोधा फ्योरेंजा की बात ऐसी है कि उसके एक चार आई थिंक पांच फ्लोर्स के पार्किंग पोडियम्स हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसका निचला हिस्सा उन्होंने बीएमसी को दे दिया है। आई थिंक दो या तीन लेवल उन्होंने बीएमसी को पार्किंग के लिए दिया हुआ है, यानी नीचे का हिस्सा बीएमसी पार्किंग है। ऊपर का जो हिस्सा है वो सोसाइटीज के पार्किंग के लिए है। उसमें चार टावर्स हैं, उसके ऊपर चार टावर्स खड़े हैं, एक सुपर लग्जरी टावर है और तीन मोर और लेस ऑर्डिनरी टावर है। मोर और लेस ऑर्डिनरी का मतलब फिर भी फ्लैट्स की कीमत 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इस तरह के, सॉरी क्रोर्स, 4, 5, 6 करोड़ के फ्लैट्स हैं। और सुपर लग्जरी के जो टावर हैं, एक टावर है और वो सुपर लग्जरी का जो टावर है उसका अलग क्लब हाउस है और उसका जो उसके फ्लैट्स की कीमत 15 करोड़, 20 करोड़ इस टाइप के हैं। ये सारे एक ही स्ट्रक्चर पर खड़े हैं और नीचे का हिस्सेदार बीएमसी है। अब और ये टावर के आसपास कोई भी जमीन नहीं है और इस टावर में एक बहुत बड़ा जो जमीन है, बहुत बड़ा लैंड प्लॉट है, उस लैंड प्लॉट के एफएसआई को एक्सप्लॉइट करके ये बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। अब आप सोचिए, पहली बात कि ये बिल्डिंग के बारे में किसको समझ में आएगा? कोई समझ नहीं सकता है, ओके? उसके स्ट्रक्चर को कोई समझना ही, समझने के लिए बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए। इसके यानी आम बिल्डिंग अगर होता है और उसका पंप सेट या कुछ भी बंद हो जाता है, कोई भी फैसिलिटी बंद हो जाता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले उसका काम करवा लेते हैं, उसको मेंटेन करवा लेते हैं। ये बिल्डिंग को मेंटेन करना मतलब उसके पोडियम को मेंटेन करना, पोडियम को मेंटेन करना मतलब उसका पोडियम जो है उसके ऊपर अधिकार किसका है? एक सोसाइटी का नहीं है, एक बिल्डिंग का नहीं है। चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज इकट्ठे होंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो मेंटेन किया जाएगा, नहीं तो उसे प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कन्वेंस लेना और भी मुश्किल है, क्योंकि इस जमीन के ऊपर जो इसका जो जमीन है इसकी, जिसे हम अपर्टिनेंट लैंड कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़े प्लॉट का एक छोटा हिस्सा है। उसमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बाजू में एक मॉल है, मॉल का भी एफएसआई को एक्सप्लॉइट कर दिया गया है इसी स्ट्रक्चर में, लोधा फ्योरेंजा में। तो यह है लोधा फ्योरेंजा की बात, आपको कैसे कन्वेंस मिलेगा?
दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, लोधा के बहुत सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पलावा सिटी। पलावा सिटी में एक हिस्सा है जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा था किसी के साथ, जिसका नाम है कासारियो। कासारियो में आई डोंट नो उसके स्पेसिफिक्स क्या है, लेकिन इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, कोई छोटे कोई बड़े। लेआउट बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, अच्छा लेआउट है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, टाउनशिप अच्छा लगता है, लेकिन कन्वेंस कैसे मिलेगा आपको? क्योंकि आप जिस जमीन पे खड़े हो, इट इज पार्ट ऑफ अ लार्ज अनडिवाइडेड प्लॉट। आपको कन्वेंस मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक बिल्डर उस जमीन का पूरा FSI एक्सप्लॉइट नहीं कर देता है, तब तक वो आपको जमीन का कन्वेंस देगा ही नहीं, पहली बात। यानी इसमें जो कई सौ बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक ऐसे कोई बहुत बड़े नंबर हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, वो सारे इकट्ठे एकत्रित होकर अगर फेडरेशन बनाएंगे और फिर कन्वेंस मांगेंगे, तो बिल्डर कहेगा रुको, मैं पहले इसका FSI पूरा निचोड़ के एक्सप्लॉइट कर लूं, मेरा जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसे पूरा कर लूं, उसमें चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 25 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, मैं पूरा करूंगा, उसके बाद मैं आपको कन्वेंस दूंगा। अब पूरा इसलिए नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी, कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जमीन के ऊपर जो FSI है वो बढ़ाते रहती है, तो 20 साल के बाद या 10 साल के बाद और FSI होगा, और FSI होगा तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और वो बिल्डिंग्स बनाएगा। जब तक वो कन्वेंस देने की बात आएगी, तब तक कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो पुराने 30 40 साल 50 साल पुराने हो जाएंगे, और जो पुराने बिल्डिंग्स की कंडीशन खराब हो जाएगी तो वो रीडेवलपमेंट करना चाहेंगे। रीडेवलपमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वापस लोधा के पास। तो पलावा सिटी में आप अगर फ्लैट लेते हो तो बेसिकली आपको मिलता है अ बॉक्स इन द स्काई। आप जिस घर का मालिक हो, आपके अधिकार उस घर तक ही सीमित हैं। सेम मैं फ्योरेंजा की कहूंगा, लोधा फ्योरेंजा जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की बात कह रहा हूं, कि आपका जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ वो बॉक्स इन द स्काई जो है, जिसको आपने खरीदा है, चाहे वो 600 स्क्वायर फीट का हो या 1000 स्क्वायर फीट का हो, जो भी हो, आपके अधिकार उतने ही सीमित हैं। और जब तक वो बॉक्स इन द स्काई जिंदा रहता है, तब तक आपके अधिकार हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल वो बिल्डिंग गिर गया, तो आपका कोई अधिकार बनता नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है, कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। यानी आपने जो भी पैसे उसमें डाले थे, चाहे 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, जो भी हो, वो खत्म हो जाते हैं। अगर बिल्डिंग गिर गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। वेरैस अगर पुराना बिल्डिंग था, अगर पुराने स्टाइल का बिल्डिंग था, स्टैंड अलोन बिल्डिंग था, तो आपको घर के साथ घर को रीडेवलपमेंट करने का भी हक मिलता है। यह अलग बात है कि रीडेवलपमेंट करना बड़ा बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वगैरह वगैरह, लेकिन आपको हक मिलता है, आपको अधिकार मिलता है। उसी पैसे के अंदर आपको जमीन का भी अधिकार मिलता है। यह भी अलग बात है कि यह अधिकार आपको लेना पड़ता है, आपके सोसाइटी को लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़े, लेकिन आपका अधिकार है, ये पॉसिबिलिटी है, और ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज ने किया है। लेकिन बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में घर ले रहे हो, वैसे और भी डिसएडवांटेजेस हैं, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस हैं, मैं उसके बारे में कभी दूसरे किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनसे तकलीफ क्या होती है। लेकिन वो सब बाजू में रखते हुए, अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक फ्लैट लेते हो, तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको जमीन का कन्वेयंस लगभग नहीं मिलेगा। यू आर बाइंग अ बॉक्स इन द स्काई। बॉक्स इन द स्काई अगर गिर गया, टूट गया,
खत्म हो गया तो आपका हक खत्म हो गया, आपका अधिकार खत्म हो गया, आप भूल जाइए और जाइए कहीं और घर खरीद लीजिए, अब आपके लिए यहां पर कुछ नहीं रहा। ये कड़वा सच है दोस्तों। मैं आपको ऐसे बहुत सारे कड़वे सच समझाते रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश, दी अर्बन नक्सल। जय हिंद।